वी आर डूइंग एडवांस लेवल स्ट्रैटजीज इन रिस्क मैनेजमेंट जिसमें हम आज हम बात करेंगे ऑप्शंस ऑन फिक्सड इनकम सिक्योरिटीज़ फिक्स इनकम एक स्पेसिफिक सेगमेंट है तो इसमें थोड़ी सी हम बात करते हैं कि व्हाट आर दिक्योरिटीज़ दैट स्पेसिफिकली अप्लाई टू दिक हमने जनरली तो सारी बात की हुई है बट स्पेसिफिकली रिलेटिंग टू फिक्सड इनकम वेन वी सिक्स इनकम दैट मीन्स बॉन्ड्स टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स एंड सिमिलर जिसमें फिक्स इनकम की एक स्ट्रीम आई जाए दैट फिक्सड इनकम सिक्योरिटी इज एन इन्वेस्टमेंट दैट पे इज रेगुलर इनकम इन फॉर्म ऑफ कूपन इंटरेस्ट पेमेंट और प्रेफर्ड डिविडेंड यानी कि कोई वेरिएशन पार्ट इसमें नहीं है यानी कि एक एग्रीड पार्ट है जो कि हमने आपको उसमें रिटर्न मिलता है हाउ फिक्स इनकम सिक्योरिटीज वर्क थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोवाइड प्रियोर्टिक इनकम एट द इंटरेस्ट और डिविडेंड नोन इन एडवांस पहले ही पता होता है कि जी हमने ये अगर बॉन्ड खरीदा है तो हमें इस पर इतने परसेंट रिटर्न आना है या अगर हमने प्रेफ्रेंस शेयर खरीदे हैं तो उसका प्रेफरेंस डिविडेंड हमें वट परसेंटेज विच विल भी अप्लाइंग द मोस्ट कॉमन आर्ट ट्रेडरी बॉन्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एनी एनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यू आर फेमिलियर जहाँ पे एक नॉन फिक्स है दैट कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर टास्क और बाकी सारे तो डेट की और इंस्ट्रोमेंट हैं प्रेफर्ड इन जो है स्टॉक वो है स्टॉक की कैटेगरी लेकिन उसका भी पाथ ऐसा है कि वो फिक्स डिविडेंड देता है होल्डर ऑफ ट्रेजरी बॉन्ड्स एंड सीडीज रिसीव द फिक्स इंटरेस्ट बेस्ड ऑन पार वैल्यू ऑन अ स्पेसिफाइड टाइम कि ये भी पता होता है कि कब मिलना है सिक्स मंथली पेमेंट्स हैं क्वार्टरली हैं और पार वैल्यू पे वो उतने परसेंटेज अप्लाई होती है होल्डर ऑफ प्रेफरेंस स्टॉक ये उनको पता होता है कि जी हमने इस पीरियड पे मिलना है और हमें इस परसेंटेज से डिविडेंड्स मिलने हैं

स है ये उसकी फिक्स है कॉमन टाइप ऑफ बॉन्ड विद एम्बेडेड ऑप्शन अब इसमें ऑप्शन जब एड होती है देन वट इट इज दीज आर कॉलेबल बॉन्ड्स पोर्टेबल बॉन्ड्स कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ये जो हमने ऑप्शन पढ़ी थी अब हमने उनको इन बॉन्ड्स के साथ एम्बेड करके देख रहे हैं कि हाउ दे वर्क दो ऑप्शन आर एम्बेडेड इन देंस दैट देर आर प्रोविजन प्रोवाइडेड इन देंचर यानी कि उसके जो टर्म्स हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि ये इसमें एडिशनल ऑप्शन भी इनकॉपरेट कर दी गई हैं जो कि इन्वेस्टर पे अप्लाई होंगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टर्म और ये उसकी एम्प्लीकेशन उसकी लाइफ पे वन एवर दे फॉल इन दो दैट कैन बी देयर कॉल बॉन्ड कॉल ऑप्शन का आपको वैसे मतलब पता है कि राइट टू बाय So when वैन इट्स ए कॉलेबल the गिव दशोअर द राइट टू बाय बैक प्रायर टू simply मैं सिंपली बात करता हूँ agar एग्जाम्पल अगर ek ने एक ka साल का hai दिया है इसका मतलब उसकी 10 saal साल है लेकिन अगर वो उसके साथ लिख दें कि जी ये bond hai है इसका मतलब क्या है कि वैसे तो 10 साल का है लेकिन अगर पेल वाले ख़ुद चाहें जो कि इशूअर हैं कि वो अगर कहें हमें छः साल बाद हमें बॉन्ड को कॉल करना है हम कहें कि जी आप ये पैसे लो और बॉन्ड हमें वापस दे दो तो फिर अगर उसमें ये ऑप्शन लिख दी गई है तो देन इट बिकम्स अ कॉलेबल कि क्यों ऑप्शन रखी जाती है उसकी दो रीजनज होती हैं एक तो इफ़ ऑर्गेनाइजेशन थिंक्स के दैट दे विल बी गेटिंग अ गुड कैश फ्लो स्ट्रीम और वो अर्ली बाय कर सकते हैं या दे कैन इवन डू इट फॉर बेनिफिटिंग फॉर फॉल इन इंटरेस्ट ये थे हमने अभी बॉन्ड इशू किया था दस परसेंट पे और आजकल मार्केट में रेट पढ़ दिया गया है सिक्स परसेंट तो क्या करें दस परसेंट वाला बॉन्ड कॉल कर लें छः परसेंट पर बॉन्ड इशू कर दें तो ये कॉलेबल की उसकी फीचर है यानी कि इंटरेस्ट रेट के ड्रॉप से हम बेनिफिट लेना चाहते हैं कॉलेबल बॉन्ड्स दे फॉर हैव टू ऑफर हाई यील्ड एंड सेल एट अ लोअर प्राइस देन अदरवाइज सिमिलर नॉन कॉलेबल बॉन्ड अब इन्वेस्टर भी समझ आ रहा है इन्वेस्टर कहता है जी कि अगर आपने कॉलेबल बॉन्ड रखना है तो क्योंकि ये आप ईश्वर को बड़ा फ़ायदा हो रहा है इसमें से तो इस पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा दो और अगर इसी तरह अगर आपने इसको सेल करना आम बॉन्ड अगर 900 का बिकता है तो ये वाला बॉन्ड फिर 900 नहीं 850 और लेस देन द दैट वैल्यू बिकेगा बिकॉज इन्वेस्टर शुड गेट सम बेनिफिट फॉर द कॉल राइट जो ये ईश्वर अपने पास रख रहा है तो यानी कि उसका जो प्रीमियम इन देंस यही है कि हमें उसको हाई यल्ड देनी पड़ेगी या उसकी जो प्राइस इशू होगी वो थोड़ी मार्केट में लो होगी मोस्ट म्यूनिसिपल बॉन्ड एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर कॉलेबल ये कंपनी हैं क्योंकि उनकी कैश फ्लो स्ट्रीम के मुताबिक या अपने पैटर्न के मुताबिक दे डू दिस पोर्टेबल बॉन्ड पोर्टेबल बॉन्ड एज इट्स एन अदर स्ट्रीम पोर्टेबल मीन राइट टू सेल पोर्टेबल बॉन्ड गिव बॉन्ड होल्डर राइट टू सेल बॉन्ड बैक टू द इशअर प्रायर टू मेच्योरिटी दैट मीनस क्लियर दैट जैसे भी हमने पहले बात की थी कि कंपनी ने इशू किया एक और कंपनी है उसने मोबिलिंक ने अपना बॉन्ड इशू किया और वो दस साल का बॉन्ड है और वो कहते हैं जी कि ये पोर्टेबल बॉन्ड है पोर्टेबल बॉन्ड का मतलब क्या है कि जिसने वो बॉन्ड खरीदा है अगर वो चाहे कि मैं जी चार साल बाद मुझे पैसे चाहिए तो वो कंपनी को जाके कहेगा कि जी ये मेरा बॉन्ड वापस लें एंड गेव मी द मनी अगर ये पोर्टेबल ना होता तो फिर 10 साल से पहले कंपनी को वापस नहीं हो सकता था बाहर आप मार्केट में बाइंग सेलिंग कर सकते हैं तो पोर्ट ने उसको क्या एडवांटेज दिया कि ये किसी भी टाइम कंपनी को वापस कर सकता है अब ये एक फ़ीचर किसको मिल रही है बॉन्ड होल्डर को तो इसकी कंपनसेशन क्या होगी जो इसको प्रीमियम इस बॉन्ड पर मिलता है या जो इसकी जो कुपॉन मिलते हैं वो नॉर्मली थोड़े कम रखे जाते हैं या इसकी मार्केट वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ईश्यर को फिर एडवांटेज मिलना चाहिए होल्डर के पास राइट right है तो ये देखें आप कॉम्बिनेशन कैसे चलता है एक ऑप्शन है जी कन्वर्टेबल बॉन्ड व्हेन वी से कन्वर्टेबल कि ये एक ऐसा बॉन्ड है कि है ये बॉन्ड फिक्स इनकम ही है उसमें लेकिन इसमें एक चॉइस है कि जो बॉन्ड होल्डर है वो चाहे तो इसको शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है आप वो परसेंटेज क्या होगी वो सेपरेट एक माइनर लेवल की बात है लेकिन मेन एज के वो बॉन्ड से शेयर में कन्वर्ट अब अगेन ये भी एक बहुत अच्छी फीचर है अगर किसी कंपनी के शेयर बहुत अच्छे जा रहे हैं बढ़ गए हैं तो आप अपने बॉन्ड्स अगर कन्वर्टेबल हैं तो उनको उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं तो अगेन दिस ऑप्शन विल अगेन कम विद प्राइस तो इन्वेस्टर को जो इस पर रिटर्न मिलता है वो थोड़ा कम होगा या इसकी जो मार्केट वैल्यू जो उनको पे करनी पड़ेगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी तो ये हमने देखी एम्बेडेड ऑप्शन फिक्सड इनकम में कैसे वर्कआउट करती हैं तो दीज आर टाइप्स विच आर अप्लाइड टू अस ठीक हो गया थैंक यू